भी हमारे सुपौल के अंदर जो मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं, आइए आप यहाँ आइए। खाली रोड पे रिपोर्टिंग करने से नहीं होगा, रोड पे खाली आप विजुअल लेके नेता लीडर को खाली प्रमोट करने में आप लोग लगे रहते हैं, और ये जो लेते हैं ये एक वीडियो बना के और खाली इसके चक्कर में जो रहते हैं, क्या आप लोग समझ लिए हैं? ये कीड़े मकोड़े हैं, ये लोग क्या आदमी नहीं है? क्या आप लोग आदमी है कि कीड़े मकोड़े हैं? हम लोग आदमी है, आदमी है ना, आदमी है ना, आदमी तो है ना, ये लोग भी आदमी है, और इन लोगों को हर एक चीज का जो है सरकारी सुविधा मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। अभी मैं सुपौल के पुनर्वास जो है NIC न्यू हनुमान नगर यहां पर हूं। ये वार्ड नंबर 18 है और आप देख सकते हैं ये पुनर्वास है, NIC न्यू हनुमान नगर बोला जाता है। और ये जितना भी भवन आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है इन लोगों को पुनर्वास दिया गया है। यहाँ का जो गंदगी है, इतना ज़्यादा गंदगी है, कचरा है और पानी जगह जगह पर लगा हुआ है, और आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए रोड नहीं बना है अभी तक, देख लीजिए ये लोग का कच्ची जो है, देख लीजिए कच्ची सड़क है अभी तक जो है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि हमारे सुपौल में जो है नगर परिषद क्षेत्र में ये स्थिति है, और हमारे साथ में पूरा यहाँ का मोहल्ला वासी है, कॉलोनी वासी है, इस सभी का जो है ये शिकायत है। और ये लोग का कहना है कि कई बार जो है इसके ऊपर लिख कर भी लिखित भी दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। देखिए इधर दिखाना चाहेंगे एक बार, देखिए क्या हालात है, क्या हालात बना हुआ है, देखिए। और ये देखिए, ये घर है और घर में देखिए कचरा घुसा हुआ है, देख लीजिए, कोई इसको देखने वाला नहीं है। नगर परिषद का आप स्थिति देख सकते हैं। आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं, आखिर नगर परिषद में इस तरह की जो है हालात क्यों है, इतना बद से बदतर स्थिति क्यों है? आपका क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार। यहीं से है ना जी? अच्छा, तो ये आप लोग को कचरा उचरा उठाने कोई नहीं आ रहा है? आता है कभी कभी, महीना या दो महीना पे एक बार आता है, उसके बाद भूल जाते हैं, सर्कुलर एरिया समझते हैं इसको, पटक देता है कचरा जो है ना, मार्केट से ला करके इधर ही पटकता है, आता है हम लोग का घर का कचरा, नाला बनाया है। मतलब ये तो लग रहा है कि कचरा कहीं कभी उठता ही नहीं है, कचरा कभी नहीं उठता, बल्कि नाला भी बना है तो पानी सारा इधर ही आता है। यहाँ गाड़ी आती है, कचरा वाला गाड़ी आती है, गाड़ी में लोड होके बाहर ले जाता है कचरा को? नहीं नहीं ले जाता, कभी नहीं ले जाता, एक दो बार ले गया उसके बाद नहीं आता। और यहाँ देखिए, आइए पहले यहाँ भी हम दिखाएंगे, यहाँ देखिए किस तरह से कचरा का ढेर बनाया गया है, देखिए इसको जो है इन लोगों को जो है मतलब कीड़े मकोड़े समझ लिए हैं ये लोग। देख लीजिए घर के बगल में इन लोगों का जस्ट ये घर है, और घर के बगल में कचरा डंपिंग एरिया बना दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप क्या बोलिएगा, कचरा डंपिंग एरिया बोलिएगा, कचरा डंपिंग प्लेस बोलिएगा, या क्या बोलिएगा आप कमेंट में बताइए। देख लीजिए सारा जितना भी मोहल्ला का कचरा होता है सारा जो है ये लोग को मजबूरी में यहाँ डालना होता है, और कोई नगर परिषद का कर्मचारी देखने वाला नहीं है। आप लोग यहाँ जो कचरा इतना इकट्ठा किया गया है तो इसके बारे में कभी किसी को बोले हैं? बोले, बहुत सारा बार बोले हैं, नगर परिषद में हम लोग जाके भी बोले हैं, मगर अच्छा उन लोगों आश्वासन दिया कि हम यहाँ पे कचरा, आश्वासन नहीं, ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना है इसमें, ये कोई बड़ा घटना नहीं हुआ है कि 6 महीना साल भर लगेगा उसको कचरा को उठाने में। ये ऑलरेडी नगर परिषद का काम है, नगर परिषद में जो है कर्मचारी गठित किया हुआ रहता है, और उसका काम है रोज का रोज, एक दिन 10 दिन पे नहीं, 1 महीना पे नहीं, रोज आएगा, रोज कचरा उठा के ले जाएगा। ऐसा कभी हुआ है? सफाई वाला तो आता है वहाँ, सड़क तक आता है, सड़क से वहाँ पर सफाई करता, मगर यहाँ अच्छा, नहीं आता है, ये मोहल्ला नहीं आता, मेन रोड पे सड़क पे झाड़ू मार के चल जाता। हाँ हाँ, वहाँ तक आता है, उसके बाद अंदर मोहल्ला नहीं आता। अच्छा अच्छा, और बताइए क्या ये सच है, मेन रोड पे झाड़ू मार के चल जी जाता? जी, ये कचरा उचरा कोई देखने नहीं आता? नहीं। तो देख सकते हैं मेरे साथ में जो है पूरा यहाँ का मोहल्ला वासी है, और ये लोग का यही कहना है कि
कोई भी नगर परिषद से जो है यहाँ पे देखने के लिए नहीं आता है। और आगे चल के हम रोड का हालात दिखाएंगे यहाँ का। देखिए नाली का स्थिति देख लीजिए, देखिए नाली का स्थिति देखिए, क्या किस तरह से पानी जो है देखिए काला काला हो हल्का, देख लीजिए क्या स्थिति है। ये कॉलोनी है देखिए, और सरकार जो हम लोग का मकान दिया है सारा सारा चूरा है, पानी से चूरा है, सरकार जो मकान दिया है सारा चूरा है। और ये बता क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सुनील कुमार। यहीं पे घर है ना, पुनर्वास मिला हुआ है आप लोग को? कब मिला है ये पुनर्वास? 3 साल हो गया हुआ, यानी कि 2022 है, 19 या 18 में मिला है? कब मिला है? 19 में मिला, कोविड से पहले मिला है। 19 में मिला है। मतलब 19 में ये भवन जो है, इधर दिखाइएगा सर, ये भवन जो देख रहे हैं थोड़ा इधर आके दिखाइएगा, मतलब 19 में ये बना के आप लोग को दिया गया? नहीं, बना के पुराना था, पहले से बना हुआ था। पहले से बना हुआ था, इसमें ताला मार के सब कबाड़ी तबाड़ी सब तोड़ ताड़ के ठेकेदार बेचवा लिए। देख सकते हैं यहाँ, देखिए घर का स्थिति, भवन का स्थिति देखिए, कोई कुछ नहीं यहाँ पे जो है कर रहे हैं, कोई रिपेयरिंग पूरा चूरा है मकान। अच्छा ये बताइए, इसका जो रिपेयरिंग का होता है, जैसे आप लोग को सरकार दे दिया मकान दे दिया, ठीक है, इसमें ये बताइए कि रिपेयरिंग का क्या इसका है, सरकार करेगी या आप लोग खुद कीजिएगा? सरकार करेगी, सरकार करेगी तो अच्छी बात ना है, हम लोग का गरीब आदमी, सरकार करेगी जो दिया। तो ये चीज तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि रिपेयरिंग आखिर किसका काम है करना, क्योंकि ये लोग को घर दिया गया है और घर देने के बाद जो है रिपेयरिंग का काम किसका है। लेकिन इधर स्थिति दिखा दीजिए एक बार, देखिए मकान का जो है पूरा एकदम काला काला, जहाँ तहाँ टूट फूट गया है। इधर देखिए खिड़की सब उखड़ पुखड़ गया है, सब खिड़की सब उजड़ गया है, गेट जो है गेट टूट गेट का भी कहीं कुछ था पता नहीं है, सब टूटा हुआ है। यहाँ पानी टंकी का व्यवस्था था, बिजली का व्यवस्था था, बिजली का व्यवस्था था सर, हर जगह हर रूम में जो है बिजली का हर चीज लगा हुआ है। यही पानी टंकी दिया था जी, हाँ यही है सर, देखिए यही पानी टंकी, देखिए ये ऐसे नीचे में तोड़ के टूट फूट के रखा हुआ। आप सर घर में देखिए बिजली का वायर फायर सब कुछ लगा हुआ, बिजली का देख लीजिए, फिर भी वायर जो है उखड़ के बगल में गिरा हुआ है सब कुछ। दूसरी बात सर देख लीजिए, पानी बहने का नहीं है। वो तो दिखाए हम, वो तो पहले दिखाए, नाला जाम हो चुका है, देख सकते हैं सर। यहाँ क्या हुआ है, खाना बना दिया है ना, सब्जी है ना दाल है, साला खाओ चाहे मरो, वही यहाँ तिहार जेल है, वही यहाँ पर तिहार जेल में हम लोग है यहाँ पर। देखिए कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आप लोग का भी, सुनिए मेरी बात पहले सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए आप लोग जो है अंदर में साफ सफाई करते हैं इधर? साफ सफाई इधर गली उली में साफ सफाई करते हैं आप लोग? साफ सफाई कर देखिए सर, कितना हुआ देरी लगा। देखिए गली अंदर का जो इन लोग का एरिया है, जो ग्राउंड एरिया है, ये पूरा तरह से ये लोग का साफ सफाई है, ये लोग साफ सफाई करके रखते हैं, लेकिन ये किसकी जिम्मेवारी है ये बताइए? ये हर जगह तो ये लोग नहीं कर सकता है ना, रोड पर तो नहीं कर सकता है ना, तो रोड पे कौन आएगा करने के लिए? देख लीजिए यहाँ लग रहा है महीनों दिन से जो है कचरा जमा हुआ है, देखिए जस्ट ये लोग का घर है, देखिए चारों साइड से घर है और यहाँ बीच में कचरा जमा हुआ है, दिखाइए इनको, देखिए कचरा गड़ गया है यहाँ कीचड़ में। और आइए रोड का स्थिति हम दिखाते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये लोग का कॉलोनी है, जो इन लोगों को प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है पुनर्वास दिया गया था 2019 में, इन लोगों को ये दिया गया था। देख सकते हैं यही सब घर है, तमाम घर है, लेकिन इसके आगे का जो हालात है, आगे में आप देखिए क्या स्थिति बना हुआ है। और ये जो है देखिए, ये मेन इन लोग का रोड है, सड़क है आने के लिए, देखिए मुख्य सड़क है NIC का, न्यू हनुमान नगर का कॉलोनी का जो है ये मुख्य सड़क है। और आगे आके भी दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे आइए, देख लीजिए क्या स्थिति बना हुआ है, देखिए क्या स्थिति बना हुआ है इधर, देखिए हे देखिए
देख लीजिए घर है, घर में कचरा घुसा हुआ है, पानी घुसा हुआ है, कैसे यहाँ जो है लोग जाना आना करेगा, देख लीजिए। अभी तक यहाँ जो है गली का निर्माण नहीं हुआ है, पक्कीकरण भी नहीं हुआ है। आप लोग को नाला वाला गली उल्ली कुछ नहीं बना? नाला बनाया उधर, लेकिन आधा दूर बनाया, आधा दूर घर में पानी आ गया, पूरा घर में इतना को पानी लगा हुआ, एक एक जान करके हम लोग। अच्छा, चंदा करके राबड़ी। अच्छा, ये ईंट थोड़ा बगल दिखा दीजिएगा सर। ये लोग का कहना है कि ईंट जो फिलहाल ये लोग गिराए हैं चलने के लिए, ये ईंट का मलबा गिरा हुआ है, ये लोग अपने चंदे के पैसा से गिराए सब। अच्छा, सब आप लोग ये चंदा करके गिरा? सब महल्ला का आदमी सब 50 रुपया हर घर से चंदा लेके अपना बनवाए थे। पानी में बहुत दिक्कत हो रहा था जाने आने के लिए। अच्छा, अच्छा। तो सब महल्ला का आदमी चंदा काट के रोड का राविस गिरवाया था और चलने लायक बनाए थे हम लोग। देख लीजिए नगर परिषद में जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े पोस्ट पर, चेयरमैन जो भी है, सबसे कहना चाहते हैं कि ये स्थिति देखिए, और कभी कभी घूमने आइए, जरूर आइए। ये इसका मतलब नहीं है कि सरकारी आवास इन लोगों को मिला हुआ है, पुनर्वास मिला हुआ है, तो ये लोग हमारे देश का नहीं है, हमारे राज्य का नहीं है, हमारे जिला का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग भी नागरिक हैं, उनको हर चीज़ का अधिकार है। जिस तरह से हर जगह जो है आज गली बन रहा है, गली पक्कीकरण हो रहा है, रोड बन रहा है, उसी तरह से इन लोगों को भी जो है गली का पक्कीकरण किया जाए और रोड का जो ये हालात है, ये रोड जल्द से जल्द रोड बनाया जाए। ये जो स्थिति बना हुआ है यहाँ का, आप लोग का कीड़े मकोड़े वाली हालत है क्या जी? तो इस पे क्या कहना चाहिएगा नगर परिषद सुपौल? जो नगर परिषद सुपौल है, किसकी जिम्मेवारी है यहाँ साफ सफाई करवाना? नगर परिषद की जिम्मेवारी है, नगर परिषद की है। तो क्या कहिएगा नगर परिषद के चेयरमैन या जो भी अधिकारी है उनसे ऊपर बैठे हुए हैं? जो बैठे हुए उसको बोलेंगे सफाई करवाइए। क्या क्या कहना चाहिएगा ये जो स्थिति बना हुआ है? सर क्या कहेंगे, उन लोगों को तो हम लोग कह के परेशान हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार लिखित भी दिए आप लोग सुन रहे हैं? इसमें लिखित दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया है। कुछ नहीं, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई देखने के भी लिए नहीं आता। नीतीश कुमार का जल योजना अभी था, वो अभी तक नहीं आए। नीतीश कुमार का नल जल योजना अभी तक आया ही नहीं? नहीं, नहीं। नया वाला जो हर जगह लग रहा है, यहाँ पे नहीं लगा है? नहीं, नहीं लगा हुआ है, देखिए ना। तो कहाँ ये डीएम साहब हमारे सुपौल के और जो भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, और यहाँ पे नगर परिषद में जो भी बैठे हुए हैं, क्या आप लोग समझ लिए हैं ये कीड़े मकोड़े हैं? ये लोग क्या आदमी नहीं है क्या? आप लोग आदमी है कि कीड़े मकोड़े हैं? हम लोग आदमी है सर। आदमी है ना? आदमी आदमी है ना? आदमी तो है ना? ये लोग भी आदमी हैं, और इन लोगों को हर एक चीज का जो है सरकारी सुविधा मिलना चाहिए। अभी तक जो है यहाँ नल जल योजना भी नहीं पहुंचा है। आप समझ सकते हैं क्या यहाँ का स्थिति है। और हमारे सुपौल के जो भी हमारे सुपौल के अंदर जो मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी हम निवेदन करते हैं, आइए आप यहाँ आइए। खाली रोड पे रिपोर्टिंग करने से नहीं होगा, और रोड पे खाली आप विजुअल लेके नेता लीडर को खाली प्रमोट करने में आप लोग लगे रहते हैं, और ये जो लेते हैं ये एक वीडियो बना के और खाली इसके चक्कर में जो रहते हैं, वो सब को छोड़िए। और ये इन लोगों का जो दिक्कत है, समस्या है, कभी आइए अंदर में यहाँ NIC कॉलोनी में आइए और इन लोगों का समस्या को दिखाने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो के ऊपर आप लोगों का क्या राय है कमेंट में जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।